हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट की वर्ल्ड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक मिनट से कम टाइम में कैसे हम फोटो का बैकग्राउंड चेंज करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पर जाना है, जो भी आपके फ़ोन में क्रोम है, जो भी ऐप है उसके अंदर आपको ओपन करना है। और सिंपली आपको टाइप करना है बैकग्राउंड चेंजर। जो भी फर्स्ट इसके ऊपर आपको ओपन करना है, जिसका नाम है www.remove.bg। आपको अपनी इमेज, जो वो इमेज जिसका आपको बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर उसका जो बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो आपको यहाँ अपलोड करना है। देखिए, एक मिनट से भी कम टाइम में इस पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आपको अगर आपका बैकग्राउंड्स को चेंज करना है या कुछ ऐसे एडिटिंग करनी है जो आपका मन चाहे कोई बैकग्राउंड है, इसमें ऑटोफिल बैकग्राउंड्स आते हैं, अगर आपको उसका यूज करना है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना जो मनपसंदा जो बैकग्राउंड है आप उसको भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप बिना किसी फ़ोटोशॉप के इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी ऐप के इस्तेमाल किए हुए, आप अपनी फ़ोटो को ऐसा लुक दे सकते हैं जैसा किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कई बार हमें ऐसी दिक्कत आती है कि हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो कहीं लगानी होती है किसी ऐसे फॉर्म्स पे जहाँ ये लिखा होता है उसका बैकग्राउंड जो है वाइट चाहिए, बट उस टाइम हमारे पास वाइट बैकग्राउंड अवेलेबल नहीं होता। तो उस टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट यूज के लिए एप्लीकेबल है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटोज को क्लिक करके या अपनी फ़ोटो को अपलोड करके उसके बाद उसका बैकग्राउंड वाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अब अपने मनपसंद बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अगर ब्लर बैकग्राउंड, इसके लिए आपको ब्लर बैकग्राउंड पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको आप अपने बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल बैकग्राउंड जाके सर्च कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटोज़ किस टाइप की हैं, आपका जो बैकग्राउंड चाहिए वो पार्टी के लिए चाहिए, सिंपली किसी फंक्शन के लिए लगाना है, या ऐसा कुछ जो आपको अलग से जो आपने सोच रखा हो, तो उसके हिसाब से आप अपना बैकग्राउंड पहले चूज कीजिए, उस बैकग्राउंड को आप अपनी फ़ोटोज़ में लगा सकते हैं। अब इस पिक का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिलेक्ट फाइल पे जाऊंगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट फाइल पे जाना होगा और जो भी रिसेंट आपके जो बैकग्राउंड जो है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और देखिए,
किस तरह से इस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको डाउनलोड करना है ताकि आपकी गैलरी में सेव हो जाए। तो आपको इसके लिए आपके डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड होते ही ये पिक आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, जिसका आप यूज जहाँ करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं।